जय हिंद बच्चों, सीधा मुद्दा। सेवन स्टैंडर्ड के बच्चे आज जो मिले थे दो चार बच्चे, उनकी एक ही बात थी, मुद्दा मुद्दा। दैट वाज द प्रूफ दैट दे हैव वॉच्ड द वीडियो। यस, आई लाइक इट। मुझे खुशी हो गई कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, बोलने की जरूरत नहीं। मुद्दा, इट्स एविडेंस कि बच्चे ने वीडियो देखा, क्योंकि मैंने सेवन के दो दिन से वीडियो सीधा मुद्दा मुद्दा मुद्दा, तो मुद्दा ही पकड़ा था। The length of the sides of some triangles are given below. Find out which are a right angle triangle. कल मैंने दो संख्ये तीन बचे हुए। Pythagorean triplets जैसे हम सॉल्व करते हैं, exact उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर सेम सेम आता है, बड़े नंबर का स्क्वायर और दो नंबर का स्क्वायर, तो कह देना जो साइड्स दिए वो राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर सेम सेम नहीं आता है तो सीधा बोल देना दैट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी कुछ भी नहीं। चलो सोल्यूशन। सबसे बड़ा नंबर 61 का स्क्वायर। हाउ टू फाइंड वन स्क्वायर, वन वन इंटू सिक्स सिक्स, उसके डबल 12, वन कैरी, सिक्स सिक्स 36, 36 प्लस वन 37। मेरी स्टाइल, तुम्हारी स्टाइल कैसी है? तुम बड़े महान व्यक्ति हो सेवन स्टैंडर्ड के। वन वन जा वन, वन सिक्स जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, वन छा प्लस छा 12, एक कैरी सान एक साथ 3721, 3721, answer same. The remaining two is 11 square plus 60 square. 11 ka square 121, 60 ka square 66 da 36. To kitna answer aaya? 3600 aur 121, 1273, 3721. Iska answer aaya 3721. इसको मैंने वन कह दिया, इसको मैंने टू कह दिया, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू 11, 60 एंड 61 आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्लस फोर्थ वन क्या दिया है? 1.5, 1.6, 1.7 आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तरीका यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट, ठीक है। जो बड़ा नंबर है 1.7, उसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, दो डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि 1.7 इंटू 1.7 दो डिजिट के बाद पॉइंट 2.89, इसको दिया 1 ना। अब दो छोटे नंबर, एक नंबर 1.5 स्क्वायर प्लस दूसरा 1.6 स्क्वायर, 15 चा वर्ग 225, 16 चा वर्ग 256, दोन नंतर डिजिट, मग 2.25 आणि 2.56, 5 आणि 6 11, 5 आणि 7 आणि 1 8, किती आलं 4.81, याला नाव द्या 2। ऑब्झर्व केलं सेम सेम आहे का? नाही। फ्रॉम 1 अँड 2 वी से दॅट 1.5, 1.6, 1.7 आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कंप्लीट हो गया, मार्क्स कट होने को कोई चांस नहीं। चलो पांचवा, अब आखिरी का 40, 20, 30। हर वक्त सीक्वेंस में देना जरूरी नहीं, जैसे कि 20, 30, 40, जैसे 11, 60, 61 दिया था, जरूरी नहीं। नंबर आगे पीछे आए तो भी चलेगा, पर तीन नंबर होना या तीन साइड्स होना। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 40। तो 40 का स्क्वायर 4 4 16 और दो जीरो छुपा के दो, आ गए 40 का स्क्वायर। मेरे को 100 का स्क्वायर भी आता है, 100 का स्क्वायर 1 1 1 और 4 0, 10,000। मैं बहुत होशियार हूं। फिर जो दो छोटे नंबर
20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 2 2 4 प्लस 3 3 9 9 4 13 आणि 2 0 देखा फ्रॉम 1 and 2 वी से दॅट 40 20 30 आर नॉट दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्लोज. कोशिश किया, बहुत कंसेप्ट समझा था, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, फॉर दैट पर्सन ही विल स्टडी एंजॉयमेंट, वो एंजॉय करके सीखेगा और वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा. तुम अगर फोर्सफुल, तुम पे किसी ने बर्डन डाला है पढ़ाई कर और तू उस सोच के साथ पढ़ाई कर रहा हो तो इट विल बी अ टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता है. इट्स फॉर सम टाइम. मेहनत खुद से करो और खुल के करो, एंजॉय करके करो.